हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पावर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोट टैबलेट के बारे में। क्लोट टैबलेट होता क्या है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका प्राइस क्या होता है, ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसकी प्रिकॉशन क्या है। दोस्तों, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्लोट टैबलेट होता क्या है। दोस्तों, क्लोट टैबलेट के अंदर जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है, ये हेमोस्टैटिक्स टैबलेट पाया जाता है और ये श्रीनिवास लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसकी प्राइस होता है 160 रुपये और इसमें 10 टैबलेट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं हेमोस्टैटिक्स टैबलेट का काम क्या रहता है। तो इसमें हेमोस्टैटिक्स टैबलेट पाया जाता है, जिसे हम कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन होता क्या है, कोगुलेशन का काम रहता है ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है, जो ब्लड को गाढ़ा करता है उसे हम कोगुलेशन कहते हैं। तो यही हेमोस्टैटिक्स टैबलेट होता है। तो इसका जो काम होता है दोस्तों, ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है हेमोस्टैटिक्स जो कंपोजिशन पाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं क्लोट टैबलेट का यूज के बारे में, क्लोट टैबलेट का यूज किस लिए किया जाता है। तो ये नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा क्लोट, मतलब ये क्लोट मतलब होता है ब्लड को जमाव करना, ब्लड को रोकने का काम करता है। जब किसी को हैवी ब्लीडिंग होता है तो उसे रोकने का काम करता है ये क्लोट टैबलेट। और प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होता है उसे भी रोकने का काम करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि दांत निकालने पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आता है, तो ऐसे स्थिति में क्लोट टैबलेट देने से भी ब्लड को रुकावट होता है दोस्तों। और ये मासिक चक्र में भी दिया जाता है, मासिक चक्र के समय भी हैवी ब्लीडिंग होता है तो उसे रोकने के लिए दिया जाता है। ये 3 दिन तक इसे दिया जाता है मासिक चक्र के दौरान, या 3 दिन तक ये ब्लीडिंग रुकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट कर सकते हैं। एक्सीडेंटल केस में भी हैवी ब्लीडिंग होता है तो वैसे में भी दिया जाता है दोस्तों। जैसे पल्स ब्लीडिंग, जब किसी को पल्स हो जाता है तो वैसे में भी ब्लीडिंग होता है तो उसके लिए भी दिया जाता है। मतलब तो सिंपल सी बात करें तो क्लोट टैबलेट का जो काम रहता है वो किसी भी तरह का ब्लीडिंग होता है उसे भी रोकने का वो काम करता है दोस्तों। आप जानते हैं जो क्लोट टैबलेट होता है उसका डोज, इसका डोज कितना लेना चाहिए, कितने मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो इसका डोज आप जब भी लें तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लें, क्योंकि डॉक्टर आपको स्थिति के अनुसार देगा कि आपको कितना टैबलेट दिन में देना है, कितना मात्रा में नहीं देना है। तो ये टैबलेट मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। ऐसे एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम आप चला सकते हैं। ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितना टैबलेट देना है, तो आपके कंडीशन के अनुसार ये टैबलेट चलाया जाता है दोस्तों। और ये जो टैबलेट है वो बच्चे के लिए नहीं है, इसे बच्चे को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दोस्तों, आप जानते हैं क्लोट टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है क्लोट टैबलेट आप यूज करते हैं तो। जैसे नौजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्किन रेसेस, इचिंग, मस्कुलर पेन, लूज मोशन, RBC की कमी, इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकता है क्लोट टैबलेट लेने के बाद। अब दोस्तों, जानते हैं क्लोट टैबलेट लेने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए। तो इसकी प्रिकॉशन की बात करते हैं तो जैसे प्रेगनेंसी वुमेन ये टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें, और ये टैबलेट को आप जब भी लें तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार लें। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी ये टैबलेट को यूज ना करें। यदि किसी भी पेशेंट को हार्ट, लीवर, किडनी से रिलेटेड बीमारी है तो वैसे स्थिति में आप ये टैबलेट को बिल्कुल भी यूज ना करें। एनीमिया का प्रॉब्लम है, एनीमिया की कमी है तो आप ये टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एनीमिया की कमी रहने पर ब्लड की कमी रहता है। तो आप ये टैबलेट को लेने लीजिएगा तो वैसे स्थिति में आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप एनीमिया का प्रॉब्लम आपको है तो ये टैबलेट बिल्कुल भी ना लें दोस्तों। यदि कोई महिला गर्भ निरोधक दवाई खा रहे हैं तो ये टैबलेट को बिल्कुल भी यूज ना करें,
आप जब भी कोई भी टैबलेट या मेडिसिन यूज़ करें तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही यूज़ करें। और ये मेरा वीडियो देखकर आप कोई भी मेडिसिन या टैबलेट लेने का प्रयास खुद से ना करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जाता है दोस्तों। इसलिए मेरा वीडियो देख के आप कोई भी टैबलेट लेने का प्रयास ना करें। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे फार्मेसी पावर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।